एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी का फास्ट है और मेरा भी फास्ट है। जो है दोपहर के 1 बज रहे और सुबह मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था और आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है। अभी मैं निर्जला व्रत करती हूँ शाम तक, जब तक फलाहार नहीं होता है। और फलाहार में हम क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है हमारा, इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में इसको बिथू बोलते हैं। हिंदी में मैं नहीं जानती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम आज फलाहार के रूप में बनाते हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं तो इसको हम चीनी के बीच में बनाते हैं और घी इसके साथ में खाते हैं। या तो हमारे सागुदाना करते हैं दूध के साथ में, या तो इसको करते हैं बिथू को। तो हमारे जो ये बिथू होता है ये हमारे अपने खेतों में होता है तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके साथ में हम कुछ फ्रूट्स लेते हैं जैसे कि बनानास हो गया, सेब हो गया और खीरा हो गया, वो सब भी हमारे अपने घरों में ही होते हैं। तो अब जो है 1:45 हो रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे शाम की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। 3-4 बजे हम पूजा कर लेते हैं, फलाहार कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। तब तक मैं कुछ भी नहीं लेती। अभी मैं यहाँ पे मक्के के खेत में आई हूँ, यहाँ पे हमारा खीरा लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं एक फ्रेश खीरा ले जाऊँगी। यहाँ पे मुझे खीरे तो नहीं मिले, मिले हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इनको अभी नहीं निकाल सकते, तो मुझे जाना पड़ेगा अब नीचे वाले खेतों पे। और धूप इतनी ज़्यादा है ऊपर से, बट मुझे जाना पड़ेगा। खीरे ला दिए है और यहाँ पे सेब भी ला दिए है और केले लाने बाकी है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे घर के पास हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रंगोली। आज जन्माष्टमी के दिन भी हम ये बनाते हैं रंगोली, और आज ये मम्मी ने बनाई है, मैं नहीं बना पाई थी सुबह, मम्मी ने जल्दी बना दी थी, मैं उस टाइम सो के उठी। तो ये देखो कितनी अच्छी बनी है। और यहाँ पे हमने जो है गाय के लिए ये गेहूँ डाला है, ये गाय को पीसने के लिए ले जाना है। कुछ यहाँ पे गेहूँ है, इसमें थोड़ी सी वो हो जाती है ना, थोड़े ये मतलब वो सीलन आ जाती है, थोड़े गीले गीले हो जाता है, फिर ये धूप में डालने पड़ते हैं सूखने के लिए, तब ये मशीन में अच्छे से पीसते हैं। और यहाँ पे इसमें इसके मिक्सचर के लिए जो है जौ डाले हैं, जौ और मिक्सी, इसमें कुछ दालें वगैरह है। और यहाँ पे जो है अखरोट के छिलके निकाल दिए थे ये, और अखरोट जो उधर सूखने के लिए डाले, मैंने बताया था ना कल शॉर्ट वीडियो में कि वो जो है अभी हरे हैं, तो यहाँ पे धूप में सूखने के लिए डाले अखरोट, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आ रही हूँ जंगल से वापस, ये गाय थोड़ी देर चराने के लिए लगी थी, इनको आज के दिन इससे ज़्यादा शुभ काम तो और कुछ हो भी नहीं सकता। और ये मुझे खीरा दिया है, मेरे आंटी ने, उनके खीरे लगे थे तो उन्होंने मुझे और खीरा दे दिया, और ये अच्छा है ज़्यादा। गाइस शाम हो गई है और हमने पूजा वगैरह भी कर दी है, अब हम फलाहार करने जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, उधर रेनबो निकला है अभी, इंद्रधनुष, अभी वहाँ उस साइड को बारिश हुई है और वहाँ रेनबो अभी है। ये देखो फ्रेंड्स रेनबो यहाँ पे, यहाँ पे दीदी है गाइज, ये यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रही है तुलसी के पेड़ के पास।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हम शाम को फलाहार कर रहे थे पूजा करने के बाद। इसमें बनाना है घी और भी ये बिट्ठू है और ये हमने गाय को गौग्रास रखा होता है पहले और पानी भी इसमें रखा होता है। यहाँ पे दीदी भी कर रहे थे, इनका भी फास्ट था। तो गाइस यहाँ पे हमने कान्हा भी बना दिया था शाम को अपने कुत्ते को, ये बहुत खुश हो रहा था, ये इतना अच्छा लग रहा था ना इस रेसिप में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और इसको मक्खन खाना बहुत पसंद है, ये और बार बार खाते रहते हैं। तो आज भी इसको मक्खन खाने के लिए दे दिया था, बट ये थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था कि क्या हो रहा है, क्या गोश्त रेडी कर दिया है, पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा है। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।